मुहर्रम और गणेश चतुर्थी पर्व को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए एसएसपी शलभ माथुर ने बताया कि त्योहारों में कोई बाधा ना उत्पन्न होने पाए, इसके लिए भारी संख्या में पुलिस और पीएससी जवान तैनात किए गए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। मुहर्रम में निकलने वाले ताजियों के रूट मार्ग पर निगरानी रखी जा रही है। एलआईयू और पुलिस के जवान का सतर्क कर दिया गया है। एसएसपी ने बताया कि त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखे जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अगर माहौल बिगाड़ने का प्रयास करता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, एसएसपी शलभ माथुर ने बताया। लगातार ही हम लोगों ने निर्देश दे रखे हैं, इस संदर्भ में फीडबैक लिया जा रहा है, जो खासतौर से मुहर्रम और गणेश विसर्जन का जो समय है और जो तिथियां हैं काफ़ी आपस में क्लैश होंगी, तो उसको लेकर तैयारी लगातार की गई है। त्यौहार रजिस्टर्स, जो पूर्व के विवाद है, वर्तमान में कोई अगर नया विवाद आया है, शांति समितियों की बैठकें और जो पीस कमेटी की मीटिंग्स के अलावा जो सिविल डिफेंस के लोग हैं, ताजियेदारों की मीटिंग, जो आयोजक हैं उनकी मीटिंग, पुलिस फोर्स की ब्रीफिंग, आज के दिन शनिवार के दिन जो तिवारीपुर और कोतवाली राजघाट का एरिया है, इसमें फोर्स के साथ फ्लैग मार्च अभी किया जाएगा। पर्पस उसका मल्टीपल है, लोगों में कॉन्फिडेंस की भावना देना, साथ ही साथ जो रूट है उसको देखना और फोर्स को ब्रीफ करना, और एक मैसेज जो है अगर कोई असामाजिक तत्व है उसको देना कि पुलिस फोर्स हर चीज़ के लिए मुस्तैद है। जी, इसके लिए हमें बाहर से अतिरिक्त फोर्स भी मिली है, पीएससी मिली हुई है हम लोग को। इसके अलावा स्पेशली इन त्योहारों के दिन समर्स छुट्टियां अभी कैंसल्ड हैं, और साथ ही साथ जो पुलिस ऑफिस का फोर्स है या लाइन का अतिरिक्त फोर्स है, हमारी क्यूआरटीज हैं, जो हमारी गश्त है वो स्पेसिफिकली इन्हीं एरियाज़ को कवर करते हुए हम लोग की ड्यूटीज़ हैं। और साथ ही साथ सभी अधिकारियों को, थाना अध्यक्षों को भी निर्देश है कि किसी भी सूचना को तत्काल रिस्पॉन्ड करें।